फिल्म से लेकर टीवी सीरियल तक कई सीरियल तो पूरी तरह अपराध पर फोकस कर बनाए जा रहे हैं, जिसमें अपराध का पूरा फिल्मांकन किया जाता है। कई जगह तो हाल ये है कि अभिभावक बच्चों के साथ बैठकर ऐसे सीरियल देखते हैं। हिंसक फिल्मों को एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जिन्हें बच्चे नहीं देख सकते, लेकिन सीरियल वाली हिंसा बच्चे तक पहुँचने में कोई रोक नहीं। टीवी और मूवीज में भी ऐसे बहुत सारे सीन है, खासतौर में टीवी का नाम जरूर लूंगा, बहुत ऐसे सीरियल्स आ रहे होते हैं प्रधान इंडिया इस तरह के सीरियल, जहाँ क्राइम को डिटेल में दिखाया जा रहा है, बच्चे इनको देख रहे हैं, उनको उसमें इंटरेस्ट भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे बच्चों के दिमाग में चली जाती है कि मारपीट की जा सकती है या किसी ने ऐसे क्राइम करके ये फायदा उठाया या फिर ये कर लिया, क्योंकि ब्रेन बहुत सेंसिटिव चीज है, जो भी आप दिमाग में डालेंगे वही हमारे दिमाग में स्टोर हो जाएगा और वही हमारा काम तरीके से एक्ट कराएगा। कई बार नकारात्मक स्थिति से बचाने के लिए बच्चे अपने आप को नुकसान पहुंचा देते हैं, तो कई बार उनके हिंसक मनोवृत्ति का दूसरे शिकार बन जाते हैं। ऐसा रेहान स्कूल के प्रधान मर्डर केस में देखने को मिला, जहां पीटीएम से बचने के लिए 11वीं के छात्र ने अपने स्कूल के बच्चे को ही मौत के घाट उतार दिया। तो लखनऊ में जैसा निकल कर सामने आ रहा है कि छुट्टी के लिए छात्र ने मासूम पर हमला कर दिया। आज के समय में जिस तरह से बच्चों का मनोदशा बदलती जा रही है, स्कूल में जरूर होना चाहिए जो रेगुलर बच्चों की काउंसलिंग करे। राजेश साहब देखिए, मैं आपको एक सलाह भी दूंगा यहाँ पे कि इनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा आसान है, जैसे जो बच्चे पढ़ने में कमजोर है उनको टीचर ही रिकमेंड कर सकता है काउंसलिंग के लिए, या अगर पेरेंट्स को कंप्लेन करते हैं कि बच्चा घर में शैतानी बहुत कर रहा है, जैसे इस मैटर में मैंने सुना है शायद कि बच्चा शायद घर से भाग गया था, कुछ ऐसा पुलिस का कुछ ऐसा कंप्लेन इनपुट भी था, तो पेरेंट्स को चाहिए कि ऐसी सूचना स्कूल में जरूर दें और स्कूल को चाहिए कि ऐसे बच्चों की काउंसलिंग जरूर कराएं। तो डेफिनेटली एक काउंसलर होना चाहिए, एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए जो रेगुलर।